स्वागत है आपका सुजय इन्फोटेक में। मैं हूं सुजय और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फेसबुक पर ऑडियो या वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग करते समय बैकग्राउंड में ऑडियो कैसे बजाए। यानी कि आप लोग देखते हुएगा, सुनते हुएगा, बड़े बड़े जितने भी फेसबुक यूजर होते हैं वो लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तो उनके बैकग्राउंड में एक अच्छी सी ऑडियो बजती रहती है। आज के इस वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे कि आप फेसबुक पर लाइव करते समय बैकग्राउंड में ऑडियो कैसे बजाएं। यहाँ पर हम आपको किसी भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन के बारे में नहीं बताएंगे, हम आपको आपके मोबाइल फ़ोन के कुछ सेटिंग्स और देसी जुगाड़ के माध्यम से ही आपको बताएंगे कि आप कैसे लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, वो भी बैकग्राउंड ऑडियो के साथ। तो चलिए सीखते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक कॉपीराइट फ्री म्यूजिक डाउनलोड करना होगा जो कि अच्छा हो। आप इंटरनेट या यूट्यूब से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद सिंपल आप किसी भी अपने म्यूजिक प्लेयर में उस ऑडियो को ओपन करें, जैसा कि हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। हमें एक ऑडियो है मेरा, यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी से हमने इसे डाउनलोड किया है। यहाँ पर हमको प्ले करके दिखाते हैं। यहीं गेम सेट मैच जो कि अभी हमारे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यही ऑडियो है। तो सिंपल आपको इस तरीके से ऑडियो को अपने ऑडियो प्लेयर में सेलेक्ट लेना है और इस रिपीटेड वाली जो ऑप्शन होती है ऑडियो प्लेयर में उसे ऑन कर देना है, ताकि आप जब भी ये ऑडियो समाप्त हो तो फिर यही ऑडियो स्टार्ट हो जाए। और सिंपल आपको इसको स्टार्ट कर देना है। फिलहाल हम इसे बंद कर रहे हैं ताकि आपकी आवाज़ हमारी आवाज़ आपको अच्छी तरह सुनाई दे। उसके बाद सिंपल आप जाएँ फेसबुक में और वहाँ से अपना लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करें, जैसा कि हम यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये गए हम फेसबुक में और यहाँ हमें लाइव का ऑप्शन मिला तो हम इस लाइव पर क्लिक किए। लाइव पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ से फ़िलहाल हम इसे पब्लिक नहीं करेंगे, हम केवल आप लोगों को बता रहे हैं। हम इसे अनलिस्टेड या ओनली मी पर कर देते हैं ताकि केवल हम ही इसे सुन पाएँ। फिलहाल हम इसे पब्लिक नहीं करेंगे, नहीं तो और सारे दोस्त इसे सुन पाएंगे। आप लाइव स्ट्रीम करते समय अपना पब्लिक कर लें। उसके बाद हम यहाँ पर वीडियो लाइव नहीं बता रहे हैं, आपको ऑडियो लाइव ही बता रहे हैं। तो इस थ्री डॉट पर किए, हम यहाँ ऑडियो पर क्लिक किए। आप ऑडियो और वीडियो दोनों के साथ ये प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना थंबनेल सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपका कवर फ़ोटो होगा। तो चलिए हम यहाँ से अपना एक फ़ोटो को ले लेते हैं जो कि हम लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे तो स्क्रीन पर ये फ़ोटो दिखाई देती रहेगी। और सिंपल इस डन पर क्लिक करते हैं। डन पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपल आपका जो भी ऑडियो है वहाँ बैकग्राउंड में प्ले हो रहा है, यहाँ से नोटिफिकेशन बार में दिख जाएगा। अगर नहीं दिख रहा है तो आप इस एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो सिंपल पहले आपको इस ऑडियो को प्ले कर, प्ले करने के बाद ये जो ऑडियो है आपके बैकग्राउंड में बजती रहेगी, जैसा कि हम यहाँ से प्ले कर देते हैं। उसके बाद स्टार्ट लाइव का नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पर स्टार्ट ऑडियो लाइव का, तो सिंपल आप इस लाइव स्ट्रीम पर क्लिक करें। इस तरीके से आप क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा नेटवर्किंग प्रॉब्लम है, कुछ देर बाद ये आपकी कनेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं हम लाइव हो चुके हैं। और इस तरीके से आप लाइव करते रहेंगे तो इसमें आपकी जो ऑडियो है वो बैकग्राउंड में बजती रहेगी और आप आसानी पूर्वक कुछ भी यहाँ पर अपना लाइव स्ट्रीम के थ्रू बोल सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं और अपने फॉलोअर और अपने लाइकर को आसानी पूर्वक से लाइव स्ट्रीम का अच्छा आनंद दे सकते हैं। तो कुछ यही जुगाड़ था, कुछ यही सेटिंग्स थी जिसके माध्यम से हम लोगों ने जाना कि आप यूट्यूब पर बैकग्राउंड में फेसबुक पर लाइव करते समय बैकग्राउंड में ऑडियो कैसे प्ले कर सकते हैं। आई होप यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जैसे ही आपका लाइव स्ट्रीमिंग फिनिश हो जाए तो सिंपल आप इस वो आपके फेसबुक पेज पर सेव हो जाता है।